अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीक साहब को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। काफी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं कि हम बेलारूस में आना चाहते हैं और बेलारूस जो है वो क्या शेंजन मुल्क है, क्या यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, कि अगर वो नहीं है तो कब आने की उम्मीद है। तो इस पर बात करेंगे, शेंजन मुल्क है या नहीं है, इस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वजह से आज इसमें हम बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बेलारूस जो है वो शेंजन स्टेट बने। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि शेंजन स्टेट में और यूरोपीय यूनियन में फर्क क्या होता है। यूरोपीय यूनियन जो है वो एक टोटल कंट्रीज की जो यूनियन बनी है, फ्री ट्रेड, एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी है लेकिन टैक्स अदा नहीं करना, वो जो है वो कॉमन ट्रेड यूनियन जो कि यूरोपीय यूनियन है वो है। उसके अंदर शेंजन स्टेट्स हैं। शेंजन स्टेट्स वो हैं जिन्होंने अपनी करेंसी भी कॉमन कर ली है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने, हर मुल्क ने करेंसी अपनी अपनी रखी है, उन्होंने जो है वो करेंसी यूरो नहीं अपनाई, लेकिन जो शेंजन स्टेट्स हैं उन्होंने करेंसी भी एक कर ली है, यानी कि यूरो करेंसी। ये है फर्क यूरोपीय यूनियन में और शेंजन में। और शेंजन में एक और बड़ा फर्क ये है, इनके बॉर्डर ओपन है, इनमें कोई भी जो है आप एक शेंजन स्टेट में इंटर हो जाए तो दूसरे में जा सकते हैं बाई रोड, बाई एयर, कोई भी किसी तरह की चेकिंग नहीं है, ट्रेन के जरिए, बस के जरिए, शिप के जरिए कोई भी मसला नहीं है। तो इस वजह से ये बड़ी चेंजिंग है। अब मुस्तकबिल में जो है वो बेलारूस आ सकता है या नहीं आ सकता, तो सबसे पहली बात जो है कि बेलारूस शेंजन बनने से पहले यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनेगा, तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के लिए उसको एप्लीकेशन देना होगी। तो इस वजह से अभी तक तो बेलारूस ने एप्लीकेशन ही इंपोर्ट नहीं की, अभी तक तो वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर ही नहीं है, तो वो शेंजन मेंबर किस तरह बनेगा। उसकी बड़ी रीजन ये है कि उसके तलकात यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत अच्छे नहीं है, रशिया के साथ तलकात बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और रशिया के दरमियान आपको पता है कि काफी ज्यादा मामला खराब है, यूक्रेन को लेके, बाकी चीजों को लेके। तो इस वजह से बेलारूस जो है वो रशिया के साथ है, तो यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे तलकात ना होने की वजह से मुस्तकबिल करीब में ना तो वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनता हुआ नजर आ रहा है और ना ही वो शेंजन स्टेट। इस वजह से बेलारूस के दूर दूर तक असरात नहीं है कि वो शेंजन स्टेट बनेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।